हाय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने कब और कौन सा बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड एएमसी की वेबसाइट को विजिट किया था? आपने जब भी इनकी वेबसाइट को विजिट किया होगा तो आपने अक्सर ये जरूर देखा होगा कि सबसे पहले आपका ये चैटबॉट आपका स्वागत करता है। इनफैक्ट आईफोन्स में सीरी और एंड्रॉयड फोन्स पर गूगल असिस्टेंट भी तो हमेशा एक आवाज देने पे आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। चांद पे कौन कौन गया है? ओके गूगल, चांद धरती से कितना दूर है? पर क्या आपने सोचा है कि आखिर इनके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? आखिर इन टेक्नोलॉजी की रीच कहाँ तक है? और क्या ये एलेक्सा और सीरी पर ही रुक जाएगी या फिर हमें आगे इन टेक्नोलॉजी की मदद से और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क असेसमेंट जैसी चीजों में भी मदद होगी? एक्चुअली ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी हाँ, मशीन्स भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। क्या इन्वेस्टिंग में मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती हैं? आइए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स अब हमारी डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। गूगल न्यूज से लेकर स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स AI ML एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली AI और ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऐसे एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं जो ढेर सारे डेटा को प्रोसेस करके उसमें पैटर्न्स ढूंढें और स्मार्टली रिस्पॉन्ड करें। यहाँ मकसद ये होता है कि मशीन्स भी ह्यूमन ब्रेन की तरह पास्ट एक्सपीरियंसेस और सिचुएशन के हिसाब से स्मार्टली एक्ट कर पाए, इसलिए इस फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंसेस इन मशीन्स को बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स के फॉर्म में फीड किए जाते हैं। ये एल्गोरिथम्स इतने पावरफुल हैं कि जो मशीन्स पहले सिर्फ बटन्स दबाने पे काम करती थीं, आज वो आपकी वॉइस, बॉडी मूवमेंट या इवन आपके जेस्चर से भी कमांड ले सकती हैं। यही नहीं, ये टेक्नोलॉजी और इनके पीछे बने एल्गोरिथम्स आपकी पसंद को धीरे धीरे समझते हैं और फिर उसके मुताबिक आपको रिकमेंडेशंस भी देना शुरू कर देते हैं। आपने ये पैटर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नोटिस किया होगा कि आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे वही टाइप का कंटेंट आपकी फीड या रिकमेंडेशंस में भी आएगा। सीरी का एग्जांपल लेते हैं। सीरी वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी आवाज और कीवर्ड्स को समझने की काबिलियत रखती है और इन कीवर्ड्स की मदद से वो अलग अलग फंक्शंस को एक्टिवेट करती है, जैसे SMS भेजना, कॉल्स लगाना, सॉन्ग्स प्ले करना एटसेट्रा। जैसे जैसे आप सीरी से इंटरैक्ट करते हो तो सीरी आपकी पसंद नापसंद समझने लग जाती है, ठीक उसी तरह जैसे आप आपके नए दोस्त की पसंद नापसंद समझने लगते हो। आपको किस तरह के गाने पसंद हैं, आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करते हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और फिर इसके बेसिस पर आपको रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। इन रिकमेंडेशंस में से आप जो भी देखते हो या फिर पढ़ते हो उसके मुताबिक ये एल्गोरिथम खुद इम्प्रूव होता है। आपके हर इंटरैक्शन से सीखने की काबिलियत मशीन लर्निंग की देन है और जितना ज्यादा डेटा आप इन इंटेलिजेंट मशीन्स को देंगे उतना रिफाइंड और एक्यूरेट आउटपुट वो आपको दे पाएंगे। डेटा के माध्यम से आज ये इंटेलिजेंट मशीन्स खुद से ही चीजें सीखती हैं, इनसाइट्स निकालती हैं और प्रिडिक्शंस भी कर सकती हैं। और डेटा की कमी स्टॉक मार्केट्स में तो है नहीं, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। जब भी हम एक स्टॉक को बाय करते हैं तो जनरली उस बिजनेस को पूरी तरह से स्टडी करते हैं, राइट? बिजनेस का प्रोडक्ट, मैनेजमेंट, मार्केट शेयर, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो और की फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि डेट टू इक्विटी, ROE एक्सेट्रा। हर एक कंपनी के लिए ये सारा डेटा साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर अवेलेबल होता है, मतलब ढेर सारा डेटा। तो क्या इस डेटा को स्टडी करके इन पर AI ML के मॉडल्स और एल्गोरिदम लगाकर इंटेलिजेंट मशीन्स आपको इंसाइट्स दे सकती हैं? बिल्कुल दे सकती हैं। और सबसे मज़ेदार बात, मशीन्स का डेटा एनालिसिस की स्पीड और एफिशिएंसी हमेशा बढ़ती ही जाएगी। क्विक और एक्यूरेट डिसीजन से बेहतर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी शायद बढ़ती जाएगी। मगर क्या मशीन्स ह्यूमंस को आउटपरफॉर्म कर सकती हैं? क्या मशीन्स ऐसे कुछ बेनिफिट्स लेकर आती हैं जो ह्यूमंस के ऊपर उन्हें एक एज देती हैं? वेल, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि इन्वेस्टिंग में ह्यूमन साइकोलॉजी और बायसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पोर्टफोलियो और मार्केट्स में उतार चढ़ाव को देखकर हमारा मन कई बार डाइवर्ट हो जाता है, वॉलिटिलिटी से हम डर जाते हैं। पैंडेमिक में भी हमने देखा था कि कितने लोगों ने पैनिक में आकर गलत इन्वेस्टिंग डिसीजंस लिए थे। और बुल मार्केट्स में हम रिस्की एसेट्स या स्टॉक्स में भी रेकलेसली इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मशीन्स इन सब ह्यूमन बायसेस, ग्रीड और फियर्स से परे हैं। ये बस अपने एल्गोरिथम्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं।
कई सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ स्टडी करना ह्यूमन ब्रेन के लिए आसान नहीं है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ये काम बाएं हाथ का खेल है। मशीन्स अपने डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज की मदद से मल्टीपल सिनेरियोज और मॉडल्स रन कर सकती हैं। बेस्ट पार्ट, कंप्यूटर्स 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं, अनलाइक ह्यूमंस। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। एक बात तो तय है कि मशीन्स इंसानों की लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकती हैं। रही बात इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये गैप तेजी से फिल करते जा रहे हैं, और इसलिए आज दुनिया के अलग अलग कोनों में पावरफुल मशीन्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिंग डिसीजंस लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं मशीन्स का यूज इन्वेस्टिंग में कैसे और कहां हो सकता है, और कुछ केसेस में तो ऑलरेडी हो रहा है। फर्स्ट है ऑटोमेटेड पोर्टफोलियोज। आज के दिन मशीन्स और कंप्यूटर्स ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स के लिए कस्टमाइज्ड एडवाइस जनरेट करते हैं। इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल स्टेटस और गोल्स को जानकर ये एल्गोरिथम्स इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन बना के पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टिंग एल्गोरिथम्स भी आते हैं। ये एल्गोस मार्केट या बिजनेस के कुछ सेट पैरामीटर्स के बेसिस पर बाय सेल के डिसीजंस भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स। ये फंड्स भी इक्विटी, डेट और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस इन्वेस्ट करते हैं, और प्री डिफाइंड रूल्स पे बेस्ड इनके एल्गोस मार्केट कंडीशन के मुताबिक पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है AI बेस्ड फंड्स। इसके अलावा US मार्केट में कई सारे बड़े बड़े फंड्स AI की मदद से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये फंड्स मार्केट डेटा को एनालाइज करके इंटेलिजेंट इंसाइट्स निकाल रहे हैं और इसे फंड मैनेजर्स को इनपुट दे रहे हैं। इससे ये फंड्स टैलेंट स्कैसिटी से भी बच रहे हैं। एक फंड का परफॉर्मेंस जहां पर फंड मैनेजर के स्किल्स पर निर्भर करता था, अब वो इन AI ML एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी पर निर्भर कर रहा है। थर्ड है रोबो एडवाइजर्स। हम चाहे खुद इन्वेस्ट करें या किसी फंड मैनेजर या एडवाइजर की मदद लें, बायसेस और इमोशंस तो दोनों ही केसेस में अवॉइड नहीं किए जा सकते। एक तरफ कई सारे इन्वेस्टर्स एडवाइजर्स पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं, दूसरी ओर इन्वेस्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि एडवाइजर्स के लिए इन्वेस्टर्स को पर्सनली समझकर रिकमेंडेशन दे पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ रोल आता है रोबो एडवाइजर्स का। यहाँ क्लाइंट्स का डेटा एक क्वेश्चनेयर या चैट बॉट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। रोबो एडवाइजर्स क्लाइंट के फाइनेंशियल हेल्थ, गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का डेटा कलेक्ट करके कस्टमाइज और सटीक फाइनेंशियल प्लान्स बनाकर दे सकते हैं, और फिर क्लाइंट्स रोबो एडवाइजर द्वारा रेकमेंडेड प्लान को इंप्लीमेंट कर सकता है। हालांकि इस केस में भी एक बार एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अप्रोच जरूर कर लेना चाहिए। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट इंसाइट्स एंड प्रेडिक्शन। एक बिजनेस की परफॉर्मेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, करेक्ट? बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो की प्रेडिक्टेबिलिटी, अर्निंग्स ग्रोथ रेट, मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स और बहुत कुछ। इन सभी फैक्टर्स को निरंतर ट्रैक रखने का काम स्मार्ट एल्गोरिथम कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम्स प्रोग्रामेबल होते हैं, जिसे इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स खुद अपने रूल्स बनाकर बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस या मैक्रो इकोनॉमिकल पैरामीटर नेगेटिव ट्रेंड पे है, तो एल्गोरिथम तुरंत एक अलार्म सिग्नल भी दे सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स या फंड मैनेजर्स उस पर्टिकुलर मेट्रिक को डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि रुपी के अगेंस्ट डॉलर अप्रिशिएट कर जाए, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को फायदा हो सकता है। ऐसे कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और तो और मशीन्स का यूज़ करके आप US फेड की मीटिंग्स, फाइनेंशियल बजट अनाउंसमेंट्स, कंपनी के AGMs एक्सेट्रा का पास डेटा स्टडी करके फ्यूचर में होने वाले सिमिलर इवेंट्स के समय स्टॉक की मूवमेंट्स गेस कर सकते हैं। इनफैक्ट कमोडिटी प्राइजेस के ट्रेंड से किन स्टॉक्स को नुकसान या फायदा हो सकता है, या फिर एक स्टॉक की डिमांड सप्लाई का एनालिसिस देखकर उसके स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसे कई सारे टूल्स डेवलप हो रहे हैं जो इंटेलिजेंट प्रेडिक्शंस देने की काबिलियत रखते हैं। इन्वेस्टिंग में मशीन्स बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज और यूज केसेस एंडलेस हैं, लेकिन क्या आप सब कुछ एक कंप्यूटर के हवाले छोड़कर निश्चिंत बैठ सकते हैं? इस सवाल का जवाब इस समय तो यही होगा कि AI और ML का इस्तेमाल एक रिसर्च टूल की तरह होना चाहिए। एल्गोरिथम्स के थ्रू आप डिफरेंट सिनेरियो स्टडी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। हमें स्मार्टली एक्ट करना चाहिए। कुछ जगह मशीन्स हमसे बेहतर हैं, और कुछ डिसीजंस हम खुद ही लें तो बेहतर होगा। और ये बात अगर हम जल्दी एक्सेप्ट कर लें, तो हमारी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। और हम ये बात नहीं भूल सकते कि मशीन्स का आउटपुट इनपुट डेटा की क्वालिटी पे डिपेंडेंट है। दूसरी ओर डेटा करप्शन, वायरस, हैकिंग और साइबर अटैक्स जैसे थ्रेट्स हमेशा बने रहते हैं।
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर लोपेज़ डी प्राडो ने पिछले 20 सालों में फाइनेंस की फील्ड में मशीन लर्निंग और सुपर कंप्यूटिंग के अडॉप्शन की मदद से कई स्टैटिस्टिकल टेस्ट डेवलप किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे लिए एक एल्गोरिथम या मॉडल के पीछे की सोच को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप गलत डिसीजंस का शिकार बन सकते हैं। क्योंकि जब आप एक एल्गोरिथम को सही ढंग से समझेंगे तभी आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको उसे कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं। इसके अलावा ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट के को-फाउंडर हार्वर्ड मार्क्स ने अभी अपने मेमो में कहा था कि वो मानते हैं कि कंप्यूटर्स क्वांटिटेटिव और अरिथमेटिकल चीजों में तो एक एक्सेप्शनल जॉब कर सकते हैं, मगर क्या कंप्यूटर्स क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव मैटर्स में भी सही कॉल्स ले सकते हैं, इस बात पे उन्हें डाउट है। बेस्ट इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स के पास मशीन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एज होता है, क्रिएटिविटी और केस टू केस बेसिस पे जजमेंट लेने की एबिलिटी। क्या कंप्यूटर्स एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये फिगर आउट कर सकते हैं कि अगला अंबानी या टाटा कौन होगा? क्या वो एक कंपनी के प्लांट को विजिट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो दूसरी कंपनी से कैसे बेहतर है या खराब है? क्या वो एक कंपनी के विजन और फ्यूचर प्लान्स को स्टडी करके टर्न अराउंड स्टोरीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब शायद नो है। कंप्यूटर सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में जरूर यूजफुल होते हैं, लेकिन टॉप एक्टिव इन्वेस्टर्स इनके साथ लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिटिव डिसीजंस लेते हैं और ये मशीन्स के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा हमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा इंसाइट्स दे सकते हैं और बेहतर क्वांटिटेटिव डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तक कंप्यूटर्स के पास ह्यूमंस जैसी क्रिएटिविटी, जजमेंट और डिसीजन टेकिंग एबिलिटी नहीं आती तब तक मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये इंटेलिजेंट मशीन्स और एल्गोस का पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है और हम निसंदेह ये कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में इन्वेस्टिंग को पूरी तरीके से बदल देंगे। यूएस जैसी डेवलप मार्केट्स में इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल काफी बड़े तौर पे हो रहा है और भारत में भी आने वाले सालों में मशीन्स का यूज इन्वेस्टिंग में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शायद अभी के लिए तो मशीन बेस्ड इन्वेस्टिंग और ह्यूमन बेस्ड इन्वेस्टिंग को साथ साथ चलना पड़ेगा। मशीन्स तो अब ह्यूमंस जैसी इंटेलिजेंस अक्वायर कर ही रही हैं। ह्यूमंस को भी ये सीखना पड़ेगा कि मशीन्स की इंटेलिजेंस सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.